डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज 30th अप्रैल 2020 थर्सडे एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर गोइंग टू डिलीवर अ विजुअल लेक्चर फॉर यूनिट नंबर 4 ग्लॉसरी MCQs वर्ड सेंटेंसेस क्वेश्चन आंसर्स एंड कॉम्प्रीहेंशन नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स यू मे आस्क। As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook and completed the reading translation of unit number 4 Hazrat Asma Razila Tala Anha. I hope aapne bahut acche tarike se reading translation ko taiyar kiya hoga aur translation aapne yakeenan likh ke bhi dekhi hogi. Glossary aaj humne karni hai students. Glossary aapko pata hai aapne MCQs ke liye taiyar karni hoti hai. Glossary beta humne sabse pehle karni hai. ग्लॉसरी में आपको पता है कि आपने जो है वर्ड्स विद स्पेलिंग याद करने हैं स्पेलिंग एमसीक्यूज़ के लिए, उसके साथ साथ जो गिवन वर्ड्स हैं आपके सिनोनिम्स, उनको आपने सिनोनिम एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करना है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है पुरखतर या ख़तरनाक, डेंजरस है इसका मतलब। वेंचर है उसके बाद वर्ड, वेंचर का मतलब होता है मुहिमजोई करना, यहाँ पर कोई मुश्किल काम सर अंजाम देना, इस लेसन में ये वर्ड यूज़ किया गया है इसके लिए, अंडरटेक, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्यूरियसली। फ्यूरियसली का मतलब है गुस्से से, इश्तियाल से, एंग्रीली। फिर है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है पनागा, प्लेस ऑफ सेफ्टी, ठीक है, हिफाजत की जगह या पनाह की जगह। इंस्टेंटली है अगला वर्ड हमारे पास। इंस्टेंटली का मतलब होता है फ़ौरन, इमीजिएटली। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मीन्स मुसलसल या लगातार, रेगुलर, ठीक है। फिर है डिटेक्ट हमारे पास वर्ड। डिटेक्ट का मतलब होता है तलाश करना, टू फाइंड आउट। फिर है हमारे पास वर्ड राइप। राइप का मतलब है पुख्ता, मेच्योर। फिर है रिवील वर्ड। रिवील का मतलब होता है अयां करना या जाहिर होना, शो, ठीक है। ये ग्लॉसरी है जिसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है फॉर स्पेलिंग एमसीक्यूज़। कुछ वर्ड्स आपके लेसन की टेक्स्ट में से भी आएंगे, उसी के लिए हम जो है वो प्रीवियस जो बोर्ड के पेपर हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट के, उनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। कलेक्टिवली सारे बोर्ड्स के एमसीक्यूज़ हैं जो आपके साथ मैंने पहले 3 चैप्टर्स के भी शेयर किए थे, अब हम जो है वो यूनिट नंबर 4 के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने जो है स्पेलिंग एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है। स्पेलिंग एमसीक्यूज़ में आपको पता है कि 3 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि इनकरेक्ट स्पेलिंग के साथ होते हैं और एक वर्ड हमारे पास जो है वो सही स्पेलिंग वाला होता है, ठीक है। तो जो सही स्पेलिंग वाला एमसीक्यू होता है उसको आपने ऑप्शन होता है उसको आपने टिक कर लेना है। फर्स्ट है हमारे पास वर्ड है यहाँ पे फ्यूरियस। फ्यूरियस आपका वर्ड जो ए ऑप्शन ठीक है, FURIOUS फ्यूरियस, ठीक है। आप इसको जो है अगर आपके पास नोटबुक या रजिस्टर है इस वक्त तो आप उस पर की अपनी सेपरेटली बना सकते हैं, या जो इमेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ उस पर ऑलरेडी टिक किए हैं मैं सही वाले ऑप्शन, ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास वर्ड है रिलीव। रिलीव RELIEVE रिलीव सी ऑप्शन ठीक है हमारे पास। फिर है थर्ड वन वायलेंटली। वायलेंटली VIOLENTLY वायलेंटली बी ऑप्शन हमारे पास ठीक है। उसके बाद है जर्नी। जर्नी में ए ऑप्शन JOURNEY जर्नी ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास डेलीकेट वर्ड। डेलीकेट बी ऑप्शन ठीक है, DELICATE डेलीकेट। सिक्स्थ वर्ड है हमारे पास माइग्रेशन, हिजरत, जिसका मतलब होता है MIGRATION माइग्रेशन। फिर है हमारे पास वर्ड ट्रेवर्स ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास ठीक है इसका, TRAVERSE ट्रेवर्स सी ऑप्शन। एट है हमारे पास ए ऑप्शन ठीक, INFURIATED इन्फ्यूरिएटेड। फिर अगला वर्ड है हमारे पास अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश का मतलब होता है तकमील पाना, मुकम्मल करना। बी है ऑप्शन सही वाला, ACCOMPLISH अकॉम्प्लिश। फिर है हमारे पास अगला वर्ड डिटेक्ट। डिटेक्ट टू फाइंड आउट, तलाश करना, DETECT डिटेक्ट सी ऑप्शन हमारे पास ठीक है। इलेवंथ है हमारे पास पोलाइटली वर्ड। पोलाइटली का ए ऑप्शन ठीक है, POLITELY पोलाइटली। फिर है हमारे पास अगला वर्ड पेरिलस। पेरिलस PERILOUS पेरिलस
वर्ड है हमारे पास। दोबारा से इनके ऑप्शंस जो हैं वो बता देती हूँ आपको। फर्स्ट हमारा ए ऑप्शन ठीक है, सेकंड में सी, थर्ड बी, फोर्थ ए ऑप्शन ठीक है, फिफ्थ बी, सिक्स सी, सेवन सी, एट ए, नाइन बी, टेन सी, इलेवन ए, ट्वेल्व सी। ठीक है, ये 12 एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्पेलिंग एमसीक्यूज ही अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 13 वाला देखें, डिवोशन है वर्ड। डिवोशन में हमारे पास बी वाला ऑप्शन ठीक है, अकीदत होता है इसका मतलब, डी ई वी ओ टी आई ओ एन, डिवोशन। फिर अगला वर्ड हमारे पास जेनरोसिटी, जेनरोसिटी में डी ऑप्शन ठीक है, जी ई एन ई आर आर ओ एस आई टी वाई, जेनरोसिटी, डी ऑप्शन हमारे पास ठीक है 14 का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला वर्ड है बिलीवर्स। बिलीवर्स में हमारे पास जो है बी ई एल आई ई वी ई आर एस, ए ऑप्शन बिलीवर्स में ठीक है। 16 वाला देखें वर्ड, इनहेरिटेड, इसका इनहेरिटेड इसका मतलब होता है विरसे में मिला या तरके में मिला। ये वर्ड हमारे पास सी डी ऑप्शन में सॉरी ठीक है, आई एन एच ई आर आई टी ई डी, इनहेरिटेड। फिर है हमारे पास वर्ड अगला फ्यूरियसली, फ्यूरियसली में डी ऑप्शन ही हमारा ठीक है, एफ यू आर आई ओ यू एस एल वाई, फ्यूरियसली। ये जो आपको इस तरह से ऑप्शंस के आगे लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना बोर्ड्स के हवाले से, और ईयर्स लिखे हुए मेंशन किए हुए, ये प्रीवियस जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनमें, इन बोर्ड्स में ये आए हुए हैं इन जो है ईयर्स में, इसलिए ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, साथ साथ इनको भी देखते जाया करें। फिर है हमारे पास अगला वर्ड रिवील, यहाँ करना, जाहिर करना, डी ऑप्शन है इसका, आर ई वी ई ए एल, रिवील। फिर है उसके बाद रिफ्यूज, रिफ्यूज में बी ऑप्शन हमारा ठीक है, आर ई एफ यू जी ई, रिफ्यूज। फिर है हमारे पास कॉन्स्टेंट, लगातार मुसलसल, 20 का ए ऑप्शन ठीक है हमारे पास। 21 देखें, हमारे पास है वर्ड कंपेनियन, कंपेनियन में हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है, सी ओ एम पी ए एन आई ओ एन, कंपेनियन। फिर है उसके बाद 22 हमारा वर्ड वेंचर, ठीक है, वेंचर में हमारे पास आप देख लें डी ऑप्शन ठीक है, वी ई एन टी यू आर ई, वेंचर। 23 है वर्ड हमारे पास जेनरस, जेनरस में हमारे पास जो है बी ऑप्शन ठीक है, जी ई एन ई आर ओ यू एस, जेनरस। फिर है अगला वर्ड हमारे पास इंस्टेंटली, इंस्टेंटली में बी ऑप्शन ठीक है, आई एन एस टी ए एन टी एल वाई, फौरन, जिसका मतलब होता है इंस्टेंटली, बी ऑप्शन ठीक हो गया। दोबारा से इसके जो है वो आप ऑप्शंस देख लें स्पेलिंग के, ताकि हमारे कंप्लीट हो जाएं। अगर आप की बना रहे हैं तो आपकी की कंप्लीट हो जाए। 13 आपका एमसीक्यू बी ऑप्शन ठीक है, 14 आपका डी ऑप्शन ठीक है, 15 में आपके पास जो है वो ए ऑप्शन ठीक है, 16 में हमारे पास डी ऑप्शन ठीक है, 17 में हमारे पास डी ऑप्शन ठीक है, 18 में डी ऑप्शन ठीक है, 19 में बी ऑप्शन ठीक है, 20 आपका ए ऑप्शन ठीक है, 21 हमारा जो है बी ऑप्शन ठीक है, 22 में हमारे पास डी ऑप्शन ठीक है, 23 में देखें तो हमारे पास जो है वो आपका वर्ड बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, 24 में हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है। ये हमारे स्पेलिंग एमसीक्यूज थे, जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तैयार कर लेना है। ये कुछ वर्ड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्लॉसरी से हैं, लेकिन मोस्टली वर्ड्स आपके टेक्स्ट में से भी लिए गए हैं, जिनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। जितने भी आपके एमसीक्यूज आएंगे एनुअल में या टर्म टेस्ट में, इंशाल्लाह इसी में से आएंगे। फिर इसके बाद हमने जो है वो सिनोनिम्स एमसीक्यूज, जो कि 5 मार्क्स के आपके एनुअल पेपर में आते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट में, वो देखते हैं यूनिट नंबर 4 के। चूज़ द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स, जैसा कि आपने पहले भी 3 चैप्टर्स के ये किए हैं, आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड अंडरलाइन है या जो भी वर्ड अंडरलाइन है, अगर सिंपल एक वर्ड दिया हुआ है तो हमने उसकी जो है वो उसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है मिलता जुलता उससे, यानी सिनोनिम उसका जो होता है वो हमने टिक करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा शी रिमेन स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। ये जितनी भी लाइंस या वर्ड्स होते हैं वो आपके चैप्टर में से ही लिए गए होते हैं।
स्टेडफास्ट का मतलब होता है साबित कदम. बी ऑप्शन देखें इसका, फर्म एंड रेजोल्यूट. ठीक है, पेशेंट, रेडी, अफ्रेड, इनमें से कोई ऑप्शन ठीक नहीं है आपका. बी ऑप्शन ठीक है, फर्म एंड रेजोल्यूट. फिर उसके बाद है अगला वर्ड हमारे पास फ्यूरियसली. फ्यूरियसली का मतलब उर्दू में आपको पता है गुस्सा, बहुत शदीद गुस्सा. इसका मतलब होता है हैप्पीली, हैप्पी, एंग्रीली, रेगुलर, सी. तो बी ऑप्शन हमारा सही बनता है इसका, एंग्रीली. ठीक है, उसके बाद जो है वो थर्ड है हमारे पास एमसीक्यू, आप देख रहे हैं. शी सिंपली पोस्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल. इन्फ्यूरिएटेड का हमने जो है वो सिनोनिम देखना है. इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है इश्तियाल में आना या तैश में आना, शदीद गुस्से में आना. ऑप्शन देखें इसके, प्लीज्ड है वर्ड, हेल्प, हेल्पलेस, एनरेज्ड. ठीक है, तो एनरेज्ड हमारे पास डी ऑप्शन ठीक है. फिर है उसके बाद इट वॉज सो डेलीकेट सिचुएशन. डेलीकेट का मतलब होता है नाजुक या जो है वो मुश्किल. डेलीकेट सिचुएशन सेंसिटिव, सी ऑप्शन इसका ठीक है हमारे पास. एट दिस शी इंस्टेंटली रेन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम. इंस्टेंटली फ़ौरन होता है इसका मतलब. ऑप्शन देखें इसके, हार्डली, इमीजिएटली, स्विफ्टली, स्लोली. बी ऑप्शन इसका ठीक है, इमीजिएटली. ठीक है, उसके बाद है इट वॉज अ वेरी पैरिलस जर्नी. पैरिलस पुरखतर, खतरनाक. हेल्पफुल है वर्ड, लॉन्ग, डेंजरस, लेट. सी ऑप्शन हमारे पास ठीक है, डेंजरस. अबू जहल बिगिन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली. वायलेंटली का मतलब हमारे पास होता है गुस्से से, बहुत ज़्यादा जोर जोर से खटखटाना दरवाज़ा. पोलाइटली, स्लोली, फोर्सफुली, एंग्रीली. ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन इसका ठीक है, फोर्सफुली. शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 ईयर्स. राइप, पुख्ता. ठीक है, मेच्योर, नाइस, टाइनी, रिच. ए ऑप्शन इसका ठीक है, मेच्योर. द वर्ड विंडिक्टिव मीन्स, विंडिक्टिव का मतलब होता है बदला लेना, इंतकाम लेना. डेडिकेट है रिवेंजफुल, एक्सपेरिमेंट, टेक्स्ट. रिवेंजफुल बी ऑप्शन इसका ठीक है हमारे पास. फिर अगला हमारे पास एमसीक्यू, हर ग्रैंडफादर हज़रत अबू कहाफा वाज़ अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम. डिसबिलीवर का मतलब होता है अल्लाह ताला को ना मानने वाला, जो कि अल्लाह ताला पे ईमान ना लाया हो. ऑप्शन देखें इसके, मुस्लिम, ब्रेव, वन हु डज नॉट बिलीव इन इस्लाम, इग्नोरेंट. सी ऑप्शन इसका ठीक है, वन हु डज नॉट बिलीव इन इस्लाम. फिर है इलेवंथ हमारे पास, शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी. जर्नी, सफ़र, ट्रैवल, पिकनिक, स्टे, हंगर. ए ऑप्शन इसका ठीक है, ट्रैवल. ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद 12 वाला देखें. शी ऑलवेज रिमेंड अनसर्विंग. ए ऑप्शन है हमारे पास, पेशेंट. बी है फॉर्म एंड रेजोल्यूट. सी है रेडी टू फेस, प्रिपेयर्ड फॉर द रस्ट. यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे पास है, प्रिपेयर्ड फॉर द रस्ट. ठीक है, फिर है 13 वाला हमारे पास, शी वुड क्वाइटली गो देयर. क्वाइटली खामोशी से, क्विकली, स्लोली, साइलेंटली, एट वंस. सी ऑप्शन हमारे पास ठीक है, यहाँ साइलेंटली. स्लाइट मीन्स लिटल, बिग, फाइट, सोर्स. स्लाइट मामूली तरीन, लिटल. ठीक हो गया. फिर उसके बाद है शी वुड क्वाइटली वेंचर टुवर्ड्स द रग्ड माउंटेन. वेंचर मुहमजोई करना. प्ले, रोम, रन, गो इन डेंजर. ऑप्शन है हमारे पास जिसमें से डी ऑप्शन हमारा ठीक है, गो इन डेंजर. फिर है 16 वाला, डिटेक्ट मीन्स फाइंड आउट, सर्च, लुकिंग फॉर, लुक इनटू. ए ऑप्शन हमारा ठीक है, टू फाइंड आउट, तलाश करना. शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर जर्नी. प्रिपेयर्ड जो है का मतलब होता है तैयार करना. गॉट, बॉट, कुक्ड, सोल्ड. ठीक है, कुक्ड सी ऑप्शन हमारे पास ठीक है यहाँ पे. द वर्ड रिफ्यूज मीन्स, रिफ्यूज का मतलब होता है पनागा. रेगुलर, प्लेस ऑफ सेफ्टी, शो, हैवी. बी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, प्लेस ऑफ सेफ्टी, हिफाजत की जगह या पनाह की जगह. फिर है 19 वाला ऑप्शन हमारे पास, रिवील मीन्स. रिवील का मतलब होता है जाहिर करना, अयां करना. हाइड, शो, हैप्पी, रेगुलर. बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास, शो. विद द कॉन्स्टेंट फियर वर्ड कॉन्स्टेंट मीन्स कॉन्स्टेंट, लगातार, मुसलसल. उर्दू में इसका मतलब है स्लोली, लॉन्ग, रेगुलर, इग्नोरेंट. रेगुलर है इसका, सी ऑप्शन ठीक हमारे पास. द रिस्पॉन्स शोज द विजडम.
रिस्पॉन्स का मतलब है जवाब या रद्द अमल, ठीक है। इंक्वायरी क्वेश्चन सेंटेंस आंसर्स, डी ऑप्शन इसका ठीक है हमारे पास आंसर। रेजोल्यूट मीन्स, रेजोल्यूट का मतलब पुख्ता होता है, फर्म फास्ट रैपिड एक्टिव, ए ऑप्शन हमारे पास ठीक है फर्म, ठीक है। ये आपके 22 MCQs थे सिनोनिम से रिलेटेड जो कि आपके एनुअल पेपर में 5 मार्क्स के आते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। कुछ वर्ड्स आपके ग्लॉसरी से हैं, कुछ आपकी टेक्स्ट से हैं जो कि सेंटेंसेस लिए गए हैं और वर्ड्स अंडरलाइन करके दिए गए हैं, उनके मीनिंग आपने टिक करने हैं, ठीक है। आपने की यकीनन बना ली होगी, इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। लिखना आपने नहीं है ना MCQs को और ना ही ग्लॉसरी को, ठीक है। इस चैप्टर के अभी हम जो है वो वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर हाफ जो है वो करेंगे, तो आपने क्वेश्चन आंसर और वर्ड सेंटेंसेस को सिर्फ टेक्स्ट बुक का जो रिटन काम करना है यूनिट नंबर 4 का, वो सिर्फ आपने क्वेश्चन आंसर और वर्ड सेंटेंसेस लिखने हैं, MCQs और ग्लॉसरी आपने याद करनी होती है। अच्छा जी, उसके बाद वर्ड सेंटेंसेस देख लें आप। वर्ड सेंटेंसेस आपकी जो वर्क पेजेस की एक्टिविटी है उसमें भी शामिल हैं। मैड विद एंगर फर्स्ट वर्ड है हमारे पास, आपको पता है एनुअल पेपर में जो है वो 8 वर्ड्स आते हैं जिसमें से 5 आपने करने होते हैं, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करके अपनी नोटबुक में लिखना भी है। गुस्से से पागल हो जाना, हिज मिस बिहेवियर मेड हिज टीचर मैड विद एंगर, उसके बुरे सलूक ने उसकी टीचर या उस्तानी को गुस्से से पागल कर दिया। फिट ऑफ फ्यूरी, फिट ऑफ फ्यूरी का मतलब है गुस्से की हालत में, अली ब्रोक हिज टॉयज इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, अली ने गुस्से की हालत में अपने खिलौने तोड़ दिए। रिवील द सीक्रेट, रिवील द सीक्रेट का मतलब है राज अयां करना, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिमेन स्टेड फास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा साबित कदम रहीं और राज अयां ना किया। रेजोल्यूट है अगला वर्ड, रेजोल्यूट का मतलब है पुख्ता, आई हैव रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, मुझे अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन है या मैं अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान रखता हूँ। एलिविएट, एलिविएट का मतलब है कम करना, माई मदर्स काइंडनेस एलिविएट माई पेन ऑलवेज, मेरी वालदा की मेहरबानी मेरा दर्द जो है वो हमेशा ख़त्म कर देती है या कम कर देती है। माइग्रेशन हिजरत को कहते हैं, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज़ अ कंपेनियन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिज़ माइग्रेशन, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के साथ हिजरत में साथी थे। रिफ्यूज है वर्ड हमारे पास पनाह, जिसका मतलब है ही टुक रिफ्यूज इन हिज़ फ्रेंड्स हाउस, उसने अपने दोस्त के घर में पनाह ली। गेव अवे दे देना, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गेव अवे ऑल हर मनी टू पुअर एंड नीडी, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी तमाम रकम जो है वो गरीबों और ज़रूरतमंदों को दे दी। डिटर्मंड अगला वर्ड है, आई एम डिटर्मंड टू बिकम एन इंजीनियर, डिटर्मंड का मतलब होता है पुरअज़्म, मैं इंजीनियर बनने के लिए पुरअज़्म हूँ। आप खुद से भी वर्ड सेंटेंसेस जो है वो कर सकते हैं, सेंटेंस मेकिंग की एक्टिविटी खुद से भी आप कर सकते हैं। अगर आप किसी और हेल्पिंग बुक से करना चाहें वर्ड सेंटेंसेस वाली एक्टिविटी तो वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अप टू द मार्क होने चाहिए आपके। कोशिश करें कि मोस्टली जो आपके जो वर्ड्स हैं जिनके आप सेंटेंसेस बना रहे हैं तो सेंटेंसेस आपकी टेक्स्ट में से लिए गए हों, ठीक है। कुछ ऐसा भी हो सकता है लाइक कुछ वर्ड्स कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो लेंथी थे हमारे चैप्टर में, इस वजह से जैसे मैड विद एंगर है तो हमने इसका खुद से बना लिया, या फिट ऑफ फ्यूरी है कि याद करने में आपको प्रॉब्लम ना आए तो खुद से भी हम बना सकते हैं, टेक्स्ट से लेना जो है वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि आपकी जो सेंटेंस मेकिंग वाली एक्टिविटी है वो चैप्टर से रिलेटेड ही रहे जितना पॉसिबल है, ठीक है। ये हमारे वर्ड सेंटेंसेस थे जो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। क्वेश्चन आंसर्स हम सिर्फ आज दो करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कल वर्क पेजेस के साथ हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े और आप बर्डनाइज ना हो। MCQs ज़्यादा थे इस चैप्टर के, इस वजह से मैंने क्वेश्चन आंसर सिर्फ आज दो करवाने हैं लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1 देखें,
वट हैपन्ड व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हज़रत अबू बकर रज़ील्ला तआला अन्हो, क्या हुआ जब अबू जहल ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ील्ला तआला अन्हो के बारे में पूछा, किससे? हज़रत अस्मा से, ठीक है, जब वो आपके घर आया था। हज़रत अस्मा पुट अ काउंटर क्वेश्चन दैट मेड हिम एंग्री, हज़रत अस्मा रज़ील्ला तआला अन्हा ने उल्टा सवाल कर डाला जिसने उसे गुस्सा दिलाया। ही स्लैप्ड हर, उसने थप्पड़ लगाया आपके, बट शी डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, लेकिन आप रज़ील्ला तआला अन्हा ने जो राज आया ना किया। फिर है क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास, हाउ डिड हज़रत अस्मा कंसोल हर ग्रैंड फादर, हज़रत अस्मा रज़ील्ला तआला अन्हा ने अपने दादा को कैसे तसल्ली दी जब वो दौलत के बारे में पूछ रहे थे। शी पुट पेबल्स इन प्लेस ऑफ क्वाइंस एंड कवर्ड देम विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, उन्होंने सिक्कों की जगह पर पत्थर रख दिए और कपड़े के एक टुकड़े से उन्हें ढांप दिया। ही टच द क्लॉथ एंड थॉट दैट देयर वर इनफ मनी फॉर द फैमिली, उन्होंने कपड़े को छुआ और ये ख्याल किया कि घर वालों के लिए काफ़ी सारी रकम मौजूद है, क्योंकि वो नाबीना थे और ज़यीफ़ थे और उनको ये भी खौफ था कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ील्ला तआला अन्हो सारी रकम जो है वो ले गए होंगे और घर वालों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के गए होंगे। तो हज़रत अस्मा रज़ील्ला तआला अन्हा ने नहायत समझदारी से झूठ भी नहीं बोला और उन पे उनको ये भी तसल्ली दे दी कि काफ़ी सारी रकम जो है वो घर वालों के लिए मौजूद है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स हमने आज टू किए हैं वर्ड सेंटेंसेस और एमसीक्यूज़ ग्लॉसरी के साथ, ठीक है, जिसमें से आपने क्वेश्चन आंसर और वर्ड सेंटेंसेस अपनी नीट नोटबुक और रजिस्टर में लिख लेने हैं। उसके साथ साथ जो ग्लॉसरी और एमसीक्यूज़ हैं उनको याद करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑब्जेक्टिव के हवाले से। ग्रामर का काम जो है वो हमारे लेटर्स चूँकि कम्प्लीट हो गए हैं, कम्प्रीहेंशन जो है वो आज हमने करनी है। कम्प्रीहेंशन पैसेज जो है वो हमारे पास है कम्प्रीहेंशन नंबर 6 अनसॉल्व, ठीक है, आप अपनी बुक पे भी इनके आंसर्स जो हैं वो मार्क कर सकते हैं या अपनी नोटबुक पे साथ साथ इनको लिख लें। सम आंट्स आर सोशल इंसेक्ट्स, ये जो कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 6 है हमारा, ये इंसेक्ट्स के हवाले से है, हशरात जो सोशल इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें आंट्स भी हैं यानी चींटियां भी शामिल हैं। ये सोशल इंसेक्ट्स वो होते हैं जो कि एक सोसाइटी की फॉर्म में रहते हैं, यानी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, अकेले अकेले नहीं रहते बल्कि मिलके मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है, इस वजह से इन्हें सोशल इंसेक्ट्स बोलते हैं। सोशल सम आंट्स आर सोशल इंसेक्ट्स, कुछ चींटियां जो हैं वो सामाजिक कीड़े या हशरात होते हैं। इट मीन्स दैट दे लिव इन सोसाइटीज़, इसका मतलब ये है कि वो इकट्ठे एक जगह पर रहती हैं, जैसे सोसाइटीज़ में कॉलोनियों में लोग मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसी तरह से कोऑपरेट विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ तआवुन करती हैं, एंड डू ओनली द वर्क असाइन टू दैम, और सिर्फ वही काम करती हैं जो कि उनके ज़िम्मे लगाया जाता है। दे गो आउट इन सर्च ऑफ फूड इन एन ऑर्डरली फैशन, वो एक तरतीब से जो है वो जाती हैं बाहर खुराक की तलाश में। आपने अक्सर देखा होगा चींटियों को घरों में जो है या बाहर कहीं देखा हो तो वो एक लाइन बना के चल रही होती हैं और खुराक अगर वो लेके जा रही हों तो वो भी तरतीब से लेके जा रही होती हैं, एक दूसरे के पीछे एक दूसरे को जो है वो लाइन बना के चलती हैं। ये उनमें एक इनहेरिटेड उनकी क्वालिटी है। मार्चिंग इन लाइन्स एंड कॉलम्स लाइक सोल्जर्स, जैसे कि फौजी चलते हैं प्रॉपर मार्च करते हुए। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोशल आर्ट्स हैव डिफरेंट जॉब्स टू डू, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं सोशल आर्ट्स के उनके डिफरेंट काम हैं करने के, यानी कि उन्होंने ज़िम्मे लगाए हुए हैं एक दूसरे के काम। जैसे कुछ चींटियाँ जो हैं उनका काम खुराक इकट्ठी करना है, वो स्पेसिफिक सीज़न में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गर्मियों में आपको ये चींटियाँ बाहर नज़र आती हैं चलती फिरती हुई, तो पूरे साल में वो कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें चींटियाँ जो है वो बाहर निकल के खुराक इकट्ठी करती हैं, और सारी की सारी चींटियाँ जो है वो खुराक इकट्ठी नहीं करती बल्कि कुछ के ज़िम्मे उस जो के घरों में उन्होंने अपने खुराक इकट्ठी की होती है उनकी हिफाजत करना होता है, बाकी की चींटियाँ जो है वो बाहर निकल के खुराक इकट्ठी करने जाती हैं, ताकि जब वो बाहर खुराक इकट्ठी करने गई हों तो पीछे जो खुराक उनके घर में उन्होंने ज़खीरा की है वो कोई और इंसेक्ट्स जो हैं वो चुरा ना लें। तो इस तरह से उन्होंने काम डिवाइड किए होते हैं प्रॉपर, जिसकी वजह से इन्हें सोशल इंसेक्ट्स हम बोलते हैं। ठीक है, दे मैनेज देयर अफेयर्स थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर, वो अपनी जो जितने भी मामलात हैं उनको मैनेज करती हैं। डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि मेहनत या जो भी उनकी
उनके काम हैं उसकी डिवीजन करते हुए समांस गार्ड एंड प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी। कुछ चींटियाँ जो हैं वो अपने एरिया को प्रोटेक्ट करती हैं, उनकी हिफाजत करती हैं। दे फाइट द अदर इंसेक्ट्स, वो दूसरे हशरात से लड़ाई करती हैं। वो अटैक देम और रेड देयर कलोनी, जो कि खुराक हासिल करने के लिए उनकी एरिया या कलोनी पर हमला करें। दे आर कॉल्ड सोल्जर आंट्स, जो घरों में खुराक की हिफाजत कर रही होती हैं चींटियाँ, उनको क्या बोलते हैं? सोल्जर आंट्स। एंड अदर ग्रुप गैदर्स फूड फॉर द होल कम्युनिटी, और जो दूसरा ग्रुप सारी कम्युनिटी के लिए खुराक इकट्ठी करने गया होता है वो एक अलहदा ग्रुप होता है। द सोशल आंट्स हैव नॉट लर्न दिस डिवीजन ऑफ लेबर, यानी उनको कोई ये चीज़ सिखाता नहीं है, बल्कि जब वो पैदा होती हैं तो अल्लाह ताला ने ही उनके जहन में ये बात डाली होती है कि फ़लाँ चींटी ने जो है वो खुराक इकट्ठी करनी है, फ़लाँ चींटी ने जो है वो खुराक की हिफाजत करनी है। इस तरह से ये चीज़ उनको विरसे में मिली होती है, विरासत में मिली होती है, तरके में उनको ये चीज़ सिखाई नहीं जाती। ठीक है, क्वेश्चंस देख लें कॉम्प्रिहेंशन के। व्हाट डू वी मीन बाय सोशल इंसेक्ट्स, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। सोशल इंसेक्ट्स मीन द इंसेक्ट्स दैट लिव इन सोसाइटीज़, कुछ जो कीड़े या जो हशरात हैं जो कि सोसाइटीज़ में रहते हैं, एक दूसरे के साथ तामून करते हैं और जो भी उनके ज़िम्मे काम लगाया जाता है वो करते हैं, उन्हें हम सोशल इंसेक्ट्स बोलते हैं। वाई आर सम आंट्स कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स, इसमें बीज वगैरह भी आ जाती हैं, जो शहद की मक्खी होती है वो भी एक सोशल इंसेक्ट है, वो भी इस तरह से कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं। सम आंट्स आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स बिकॉज दे लिव इन सोसाइटीज़, कुछ जो चींटियाँ हैं वो सोशल इंसेक्ट्स कहलाती हैं क्योंकि वो सोसाइटीज़ की फॉर्म में रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें हमारा। हाउ डू द आंट्स कॉपरेट विद वन अनदर, किस तरह से चींटियाँ जो है एक दूसरे के साथ तामुन करती हैं। द आंट्स कॉपरेट विद वन अनदर बाय डूइंग ओनली द वर्क असाइन टू दैम, चींटियाँ एक दूसरे के साथ तामुन करती हैं, सिर्फ वो काम करती हैं जो कि उनके जिम्मे लगता है। वट प्रिंसिपल्स डू दे फॉलो वाइल डूइंग देयर वर्क, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन से असूल जो हैं उनकी पैरवी करती हैं जब वो अपना काम करती हैं। वाइल वर्किंग दे फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, तो जो भी मेहनत है उसकी तकसीम के साथ ये असूल हैं उनके जिन पे वो काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। वाई आर द मेंबर्स ऑफ अ सर्टेन ग्रुप कॉल्ड सोल्जर आंट्स, मखसूस ग्रुप के जो अफराद हैं वो सोल्जर आंट क्यों कहलाते हैं। द मेंबर्स ऑफ सर्टेन ग्रुप आर कॉल्ड सोल्जर आंट्स बिकॉज दे गार्ड एंड प्रोटेक्ट देयर कम्युनिटी, क्योंकि सोल्जर्स की तरह से, सिपाहियों की तरह से वो अपनी कम्युनिटी की हिफाजत करती हैं, उनकी प्रोटेक्शन करती हैं, इस वजह से उन्हें सोल्जर आंट कहा गया है। हाउ हैव द आंट्स लर्न द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी उनको कौन सिखाता है ये असूल। द आंट्स हैव इनहेरिटेड द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, उनको ये चीज़ जो है वो विरसे में मिली होती है, उनको कोई भी ये सिखाता नहीं है। ये कम्प्रिहेंशन पैसेज था 6 अनसॉल्व, जो आपने अपनी नोटबुक में इसके आंसर ज़रूर लिख लेने हैं, पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बुक पे भी मार्क कर लें ताकि आपके पास जो है वो ये नोट्स के फॉर्म में मौजूद रहे। क्वेश्चन आंसर जो 2 किए हैं हमने, वर्ड सेंटेंसेस, ग्लॉसरी कंप्लीट, एमसीक्यूज़ कंप्लीट, सिनोनिम्स और स्पेलिंग्स के आपने यूनिट नंबर 4 के जो किए हैं उनमें से आपको पता है कि आपने क्वेश्चन आंसर वर्ड सेंटेंसेस लिखने होते हैं, बाकी काम आपने याद करना होता है। डायरी अपनी डायरी में या रजिस्टर की बैक साइड पे ज़रूर नोट किया करें ताकि आपको अगले टेस्ट का सिलेबस जो है वो पता हो। ठीक है, ग्रामर में हमने कम्प्रिहेंशन नंबर जो है वो की है आपकी आज। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें।